नमस्कार, मैं डॉक्टर गंगा सहाय मीना, भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैं आपके समक्ष हिंदी भाषा का उद्भव और विकास कोर्स प्रस्तावित करना चाहता हूँ। यह कोर्स कुल 40 मॉड्यूल्स में विभाजित होगा और ये 15 हफ्तों तक चलेगा। इस कोर्स के तहत भाषा से जुड़े हुए तमाम सवालों और जिज्ञासाओं से हम जूझेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये कोर्स आपको दिलचस्प लगेगा। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि भाषा कैसे बनी होगी? इंसानों और पशु पक्षियों की भाषा में क्या फर्क है? कैसे ये बदलाव आया? कैसे भाषा का लगातार विकास हुआ और इंसान की भाषा परिनिष्ठित होती चली गई? इंसान की भाषा के इतिहास और स्वरूप को लेकर के जो भी बहसें हैं, वहां से हम अपनी बात शुरू करेंगे और फिर आएंगे भारत के भाषा परिवारों पर। भारत में कितने भाषा परिवार हैं और कितनी भाषाएं हैं? उन भाषा परिवारों और भाषाओं की प्रकृति क्या है? हिंदी के विकास की बात करें तो हिंदी के विकास को 1000 साल पुराना बताया जाता है। 1000 साल पहले ऐसा क्या घटित हुआ कि एक नई भाषा ने जन्म लिया? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हम ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के नियमों का सहारा लेंगे कि कैसे भाषाओं में बदलाव होता है, शब्द के स्तर पर, ध्वनि के स्तर पर, व्याकरण के स्तर पर। इन तीनों स्तरों पर हम जांच करेंगे तो पूर्ववर्ती भाषा अपभ्रंश से हिंदी कैसे निकल पड़ती है, उस बीच में कौन से सामाजिक राजनीतिक बदलाव होते हैं और सबसे बड़ा सवाल, हिंदी का संस्कृत से क्या रिश्ता है? क्या हिंदी संस्कृत की बेटी है जैसा कि अक्सर कहा जाता है? इस सवाल के पक्ष और विपक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं, हिंदी के उद्भव को लेकर के विभिन्न विद्वानों के जो मत है, उन तमाम विचारों की हम समीक्षा करेंगे और हिंदी के उद्भव की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हिंदी भाषा के अलग अलग साहित्यिक रूपों के विकास की हम चर्चा करेंगे, जैसे उर्दू का विकास, जैसे दक्षिणी हिंदी का विकास, जैसे खड़ी बोली का विकास। हम इस सवाल को भी समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदी का अपनी सहयोगी भाषाओं से क्या संबंध है और तमाम सहयोगी भाषाओं में से खड़ी बोली प्रधान भाषा कैसे बन जाती है। इस कोर्स के तहत हम फोर्ट विलियम कॉलेज और ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा नीति को भी समझने की कोशिश करेंगे। उस भाषा नीति से हिंदी का कितना भला हुआ और कितना नुकसान हुआ, इस सवाल को भी हम विभिन्न तथ्यों और आंकड़ों के माध्यम से समझेंगे। इसके बाद 19वीं सदी पर आएंगे। 19वीं सदी हिंदी के विकास की सबसे निर्धारक सदी, सबसे निर्णायक सदी मानी जाती है। उस सदी में क्या कुछ घटित हो रहा था, कौन से साहित्यकार, कौन सी पत्र पत्रिकाएं हिंदी के विकास में योगदान कर रहे थे, कौन सी संस्थाएं जैसे नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, हिंदी वर्धिनी सभा और सबसे बड़ा नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र का, तमाम लेखकों, विचारकों, संपादकों का हिंदी के विकास में क्या योगदान है, उसकी हम आलोचनात्मक समीक्षा करने की कोशिश करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदी का आंदोलन जो 19वीं सदी में निर्मित हुआ, उर्दू से उसका क्या रिश्ता था, उर्दू हिंदू विवाद की जड़ें कहाँ थी और उससे किसका हित और अहित हुआ, उससे जो भारतीय राष्ट्र का स्वरूप बना उसका क्या संबंध बनता है। हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी वजह है कि हिंदी पूरे राष्ट्र की प्रतीक बन गई, हिंदी राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की भाषा बन गई। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, इन तमाम नेताओं की हिंदी के बारे में क्या राय थी, सी राजगोपालाचारी आखिर आज़ादी से पहले क्यों हिंदी के समर्थक थे और आज़ादी के बाद क्यों हिंदी के विरोधी हो गए, इस सवाल को भी हम समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि संविधान सभा में हिंदी को लेकर क्या बहसें हो रही थी और कैसे अंत में हिंदी को राजभाषा के रूप में चुना गया। आज़ादी के बाद हिंदी के सामने कौन सी चुनौतियां आ खड़ी हुई, उन तमाम चुनौतियों को हम समझने की कोशिश करेंगे और इस कोर्स के अंत में हम मौजूदा दौर पर आएंगे जिसको ग्लोबलाइजेशन का दौर कहा जाता है, भूमंडलीकरण का दौर कहा जाता है। इस वैश्वीकरण के दौर में हिंदी के स्वरूप में कौन से बदलाव हुए, हिंदी किस तरह से बदली और एक बात जो लगातार कही जाती है कि अंग्रेजी से हिंदी को खतरा है, हिंदी आने वाले समय में खत्म हो जाएगी, इस दावे में कितनी सच्चाई है, इस बात की भी हम पड़ताल करने की कोशिश करेंगे।
इस बीच में हिंदी के मानकीकरण और हिंदी की लिपि की भी हम बात करेंगे और धीरे धीरे हम इस बिंदु पर आएंगे कि जो वर्तमान दौर में सोशल मीडिया, जो इंटरनेट और कंप्यूटर की दुनिया है, उसने हिंदी को कितना बदला है और कितनी चुनौतियां पैदा की है। इन चुनौतियों से क्या हिंदी निकल पाएगी, खुद को सर्वाइव कर पाएगी, खुद को बचा पाएगी। कुल मिलाकर ये कोर्स हिंदी के उद्भव, उसके विकास के विभिन्न चरणों से परिचित कराता हुआ हिंदी के भविष्य से आपको रूबरू कराएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कोर्स आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।